नमस्कार, मैं नितिशा नागर। आप देख रहे हैं भारत का तेजी से बढ़ता न्यूज चैनल पीएन वॉइस। आइए नजर डालते हैं आज की इस ताजा खबर पर। झाबुआ जिले में इंदौर से ये चारों शातिर अपराधी नकली अफसर बनकर आए थे। शासन प्रशासन की कमजोरी का फायदा उठाने के लिए आजकल नया तरीका ईजाद हो गया है। इंदौर के ये शातिर अपराधी एक महिला के साथ झाबुआ जिले में अनेक स्थानों पर हॉस्टल स्कूलों में जाकर जांच व कार्यवाही का डर बताकर पैसा ऐंठने का काम कर रहे थे। मेघनगर पुलिस ने इन सभी को अपना जाल बिछाते हुए आमवा रेस्ट हाउस से धर दबोचा। इनके साथ आई महिला आरोपी फरार बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 419 व 388 के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना जारी है। प्रधान संपादक पवन नहार, झाबुआ। इस संबंध में कल सुबह से ये सूचना प्राप्त हो रही थी कि जिले में और खासतौर पर थानला अनुभाग में तीन पुरुष और एक महिला विभिन्न छात्रावासों में जाकर पुलिस अधीक्षकों को उनकी कमियां उजागर करने के संबंध में वीडियो बनाते थे और उस संबंध में उसको वीडियो को डिलीट करने के लिए उनसे एक्सटॉर्शन कर रहे थे। इस संबंध में फ्रांसिस माल जो कि रंभापुर के हैं उनसे जानकारी प्राप्त हुई कि वो दूसरी जगह उपस्थित थे कि उनकी अनुपस्थिति के बेस पर उनको डराकर उनसे पैसे की डिमांड की गई थी 20,000 रुपये। ऐसे अन्य जगह पर भी मामले सुनने में आए जिसमें कि नौगांव के उदयगढ़ में, पीपलखुटा में और मदरानी में और पिटोल में भी। अभी प्रेजेंट में रंभापुर में फरियादी आया है और उसके बेस पे हमने एफआईआर की है। आईपीसी की 419, 420 और 384 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। इसमें ये था कि जैसे ही हमको सूचना प्राप्त हुई हमने साइबर मीडिया और जो भी हमारे सोशल ग्रुप्स थे उन पर ये चीज़ों को शेयर किया और जितना जल्दी जल्दी उनको पता लगाने की कोशिश की और फिर लोकेशन के बेस पे आरोपियों को राउंडअप किया गया। इसमें फिलहाल में दो आरोपियों को राउंडअप किया गया, अमित राठौड़ और दिनेश चौहान जो कि इंदौर के निवासी हैं, इनको राउंडअप किया गया। यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर बेल बजाइए व ताज़ा व आपसे जुड़ी जानकारी पाइए। खबर पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी आपकी ही आसपास की खास घटना व मुद्दों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।